तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। छिंदवाड़ा में बीजेपी ने अब अपना दम दिखाया है। कांग्रेस प्रत्याशी कमलनाथ के नामांकन के बाद अब बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के दौरान हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंचे, तो राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी नामांकन रैली में मौजूद रहे। नरोत्तम मिश्रा ने इस मौके पर कमलनाथ पर जोरदार हमला किया और बोले, भले ही सीएम छिंदवाड़ा के बने थे लेकिन छिंदवाड़ा का विकास नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भी देख लिया छिंदवाड़ा का, पर विकास नहीं देख पाए आप छिंदवाड़ा का। उसका कारण था कि कांग्रेस की संस्कृति ऐसी है कि वहां परिवारवाद हावी रहता है। आप नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक चले जाओ। सोनिया गांधी को चिंता इस बात की है कि कैसे राहुल गांधी सेट हो जाए। दिग्विजय सिंह जी को चिंता है कि कैसे जयवर्धन सेट हो जाए। कमलनाथ जी को चिंता है कैसे नकुलनाथ सेट हो जाए। और छिंदवाड़ा को चिंता है कैसे उसका बेटा, आप सबका बेटा सेट हो जाए। नामांकन रैली को संबोधित करते हुए विवेक बंटी साहू ने नकुलनाथ पर हमला किया और उनके ज्ञान पर सवाल खड़े कर दिए। उस छिंदवाड़े के पप्पू को यही वो मंच है, यही वो आया था जब वो छिंदवाड़े के, उसको पता भी नहीं कितने छिंदवाड़े की आबादी है। वो यहां सवाल कर रहा था हमारी सरकार से कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला क्या। अरे नकुलनाथ जी, लिखा पढ़ा तो ठीक से पढ़ लो, जो लिख के देते हैं वो भी ठीक से भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो लिख के वहां से आता है वो भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 25 बताते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में 25 लाख किसानों का माफ हुआ और छिंदवाड़े में 75 लाख। सोच लो भैया, ये राहुल से एक नहीं 4 कदम आगे है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ के मुकाबले में बीजेपी ने बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले काफी दिनों से बीजेपी के बड़े नेता छिंदवाड़ा का दौरा करते रहे हैं ताकि इस बार किसी तरह से कमलनाथ की हार हो जाए। वैसे किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, ये तो जनता ही तय करेगी। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।